हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटेक्निक के नंबर वन चैनल रेशवे एकेडमी द रेस ऑफ चैंपियंस में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के यानी कि सिलेबस के बारे में, कंटेंट के बारे में, चैप्टर्स क्या क्या हैं, उसके पढ़ने हैं, क्या क्या नहीं पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। तो सब ये पार्ट वन क्या कह रहा है, पार्ट वन इसका कह रहा है बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन किसी भी विचार को आदान प्रदान करना कम्युनिकेशन कहलाता है, या किसी भी माध्यम से हो सकता है, चाहे वो फ़ोन पे हो, लिख कर हो, टेक्स्ट करके हो, या वीडियो के माध्यम से, चाहे कैसे भी हो, ठीक है। और बिना दो लोगों के कम्युनिकेशन संभव ही नहीं है। इसमें हम जानेंगे डेफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन और टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी कि परिभाषा और प्रक्रिया क्या है, कम्युनिकेशन के प्रकार क्या हैं, बाधाएँ क्या हैं और साधन क्या क्या हैं कम्युनिकेशन के, ये सारी चीज़ें हम बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर जानेंगे। पार्ट टू क्या कह रहा है, पार्ट टू है एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर। एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर, इसके पॉइंट्स कितने हैं, इसके पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ, यानी कि एफ पॉइंट्स तक है एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर। तो पार्ट ए क्या कह रहा है, पार्ट ए पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच बचपन में लोग बहुत पढ़े होते हैं, नाउन प्रोनाउन, वर्ब एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, है ना, वर्ब्स बहुत पढ़ा है हमने। तो इसमें क्या करना, पढ़ना पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। तो कई शब्दों का समूह एक वाक्य कहलाता है, जैसा कि आप सब जानते हैं कई शब्दों का समूह एक वाक्य कहलाता है। और किसी वाक्य को बनाने में जिन जिन चीज़ों की उपयोग होती है वो सभी पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। इसमें वही चीज़ें आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसमें भी मुख्यतः हमें सिर्फ यही चीज़ें पढ़नी है, नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब्स एंड मॉडल्स, ठीक। पॉइंट बी क्या कह रहा है, सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स। वाक्य क्या है, है ना, और वाक्य को प्रकार को हम बहुत बारीकी से जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर के अंतर्गत, ठीक। पॉइंट सी क्या है, टेंसेस। टेंसेस क्या है, टेंसेस क्या कहता है, टेंसेस किसी भी वाक्य के समय या स्थिति को दर्शाता है कि यह किन्हीं समय या किसी समय प्रेजेंट में हुई है, पास्ट में हुई है या फ्यूचर में हुई है, ठीक। यही चीज़ें समय को दर्शाता है टेंसेस। पॉइंट डी क्या कह रहा है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि मेरे टेबल पे कोई सेव है, मैंने सेव खाया, ठीक है, मैं उस सेव को खा गया, तो मैंने सेव खाया, ये क्या हो गया, ये हो गया एक्टिव वॉइस हो गया, ठीक है। और यही अगर मैं कहूँ कि सेव मेरे द्वारा खाया गया तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट ई क्या कह रहा है, पॉइंट ई है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होता है, यूज ऑफ स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब स्पेस वाला स्पेस नहीं, स्पेसिंग मतलब कि यूज ऑफ स्पेसिंग, स्पेस का यूज नहीं, जो दो शब्दों को के बीच में लिखी हुई दूरी होती है उसी को कहते हैं यूज ऑफ स्पेसिंग। यहाँ पे इस, ठीक है, कन्वेंशनल साइन, कर्टन साइन, सॉरी सर्टन साइन और सिम्बल्स, ठीक है, यानी कि यूज ऑफ स्पेसिंग, कन्वेंशनल साइंस, सर्टेन साइंस, सिंबल्स, ये चीज़ों जो एक पैराग्राफ में यूज की जाती हैं, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क हुआ, जो यही चीज पैराग्राफ के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, जिन ये सारी चीज़ें को यूज़ करते हैं, जैसे पैरा एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा, ठीक है, वही पंक्चुएशन के अंतर्गत आती हैं। पॉइंट एफ क्या कह रहा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। वक्ता, वक्ता मतलब समझते हैं आप, बोलने वाला अर्थात कहने वाला, स्पीकर भी कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो स्पीकर के कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, एक डायरेक्ट स्पीच में और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक। जैसे मैं बोलूँ कुछ सिलेबस जानना, चाहे सिलेबस पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपने सुना, ये क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच हो गया, ये मेरे और आपके बीच की डायरेक्ट स्पीच हो गई। यही अगर आप जाके अपने दोस्त को बताते हैं
कि सर बोल रहे थे कि सिलेबस बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, ठीक है, यही कहलाता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, फर्स्ट पर्सन टू थर्ड पर्सन तक की बातें जो गई हैं वही कहलाती हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं, ठीक है। पार्ट थ्री क्या कह रहा है, रीडिंग स्किल्स। तो रीडिंग स्किल्स में हमको क्या पढ़ना है, रीडिंग स्किल्स में अनसीन पैसेज फॉर कंप्रेंशन, है ना, एक ऐसा पैसेज जो लगभग ना कभी आपने पढ़ा होगा ना कभी देखा होगा। कंप्रेंशन का मतलब ही होता है समझना, तो इसमें बस ये टेस्टिफाई किया जाएगा कि आप चीज़ों को पढ़कर कितना अच्छा समझ सकते हैं, ठीक। इसमें मुख्यतः आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि एक शब्द में सुव्यवस्थित करना वाक्य, किसी वाक्य को एक शब्द में सुव्यवस्थित करना, प्रीफिक्सेस यानी कि उपसर्ग, सफिक्सेस यानी कि प्रत्यय, एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द, सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द पढ़ने हैं। पार्ट फोर क्या है, पार्ट फोर है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग स्किल्स, इस पर बेहतरीन तरीके से ध्यान देना चाहिए। तो इसका पॉइंट, इसमें भी तीन पॉइंट है, ए बी सी। पॉइंट ए क्या कह रहा है, पिक्चर कंपोजिशन। पिक्चर कंपोजिशन क्या होता है, पिक्चर कंपोजिशन में एक पिक्चर जी हमको दिया हुआ होता है, उस पिक्चर को हम बेहतरीन तरीके से एनालाइज करना होता है, और पिक्चर को बनाने के प्रति क्या उद्देश्य है, क्या संदेश है, क्या विचार है, ठीक है, यही चीज़ हमें जानना होता है। जब हम उसको बेहतरीन तरीके से आइडेंटिफाई कर लें तो उसे ही पिक्चर कंपोजिशन करना होता है या लिखना होता है। जैसे टॉम एंड जेरी शो सबने देखा होगा बचपन में, बहुत देता था, अभी भी देता है, और बहुत ही अच्छा कार्टून। उसमें ना तो टॉम जेरी से एक शब्द कहता है, ना तो जेरी टॉम से कोई एक शब्द कहता है, लेकिन बेहतरीन कम्युनिकेशन हो जाती है और हम भी ये चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, और हम चाहें तो बाद में किसी को कहीं पे लिख भी सकते हैं और किसी को बता भी सकते हैं, ठीक है, यही होता है पिक्चर कंपोजिशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है राइटिंग पैराग्राफ। इसमें हमें कोई एक टॉपिक मिलता है जिसमें उसी पे हमें क्या करना होता है, पैराग्राफ लिखना होता है। ये भी दो तरीके से होता है, इसमें या तो हमें पॉइंटेड टॉपिक्स मिलते हैं कि ये टॉपिक्स पैराग्राफ होना चाहिए, ठीक है, और हमें वही टॉपिक्स नोट करते हुए पूरा पैराग्राफ लिखना होता है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में हमें एक समान टॉपिक मिलेगा, उसी टॉपिक पे हमें पैराग्राफ लिखना होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत होती है, है ना, कोई जनरलाइज टॉपिक मिलता है इस वजह से उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत होती है। जैसे आपको बचपन से आप लोग काऊ पे लिखते आए, सबका फेवरेट टॉपिक रहता है, सर हम काऊ पे लिखेंगे चाहे घर पे लिखेंगे, तो ये बहुत ही जनरलाइज टॉपिक है। कोई टॉपिक्स मिलता है हमें जनरलाइज टॉपिक्स, उसी पे हमें पैराग्राफ फॉर्म करना होता है नोटिस राइटिंग के, सॉरी राइटिंग पैराग्राफ के अंतर्गत, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट है नोटिस राइटिंग क्या है। नोटिस राइटिंग किसी मैसेज को, ठीक है, किसी मैसेज को, संदेश को, कुछ भी है, उसको नोटिस फ्रेम करके किसी भी माध्यम से ज़्यादा लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, वही नोटिस राइटिंग के अंतर्गत आती हैं, ठीक। तो आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे, और कुछ ही समय में लाइव क्लासेस भी आप सभी को मिलने वाली हैं, ठीक है। तो आप लोग जो भी ज्वाइन नहीं हुए हैं वो ज्वाइन हो जाएंगे, दे मैं नंबर दे दे रहा हूँ रेशवा अकेडमी चैनल का, ठीक है, इस पर कॉल मैसेज कुछ भी कर सकते हैं आप, 96 91 84 25, दूसरा नंबर है 96 28 00 47 08। तो जो जो अभी स्टूडेंट छात्र छात्राएं ज्वाइन नहीं हुए हैं, कम्युनिकेशंस की स्किल्स की बेहतरीन क्लासेस लेना चाहते हैं, पार्ट वन फिलहाल चल रहे हैं, तो वो थोड़ा भी देर ना करें और जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाएँ, ठीक है। तब आप
आप लोग अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए थैंक्स एंड गुड लक।